टू रॉक मलियर्स चैनल। और जैसे कि सबको पता है, मॉनसून सीजन है और बारिश का मौसम है, और इससे क्या बोल सकते हैं कि गर्मा गर्म चाय तो बनता है। इसीलिए मैं अभी चाय बनाने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि बाहर ऑलमोस्ट अभी 10-15 मिनट में बारिश आने वाला है, तो मैंने सोचा गर्मा गर्म चाय और उसके साथ बिस्किट। चलो मैं आपको दिखाता हूँ चाय कैसे बनाते हैं। कि आप देख रहे हैं कि बर्तन तो मैंने रख लिया, गैस जला लिया, बर्तन रख दिया, और सबसे पहले डालना है पानी। तो मैं एक बंदे के लिए बना रहा हूँ, उसमें हम लोग कटिंग बनाएंगे। तो पहले पानी, एक ग्लास पानी डाल दिया मैंने, और पानी को थोड़ा गर्म होने दो। जैसे कि आप देख रहे हैं पानी गर्म हो रहा है, और इसके बीच में मैंने सोच लिया एक थोड़ा जिंजर और एक छोटा पीस कार्डमम लिया, और उसको कूटना है। कूटने के लिए हम लोग ये यूज कर रहे हैं पत्थर का एंटीक वाला, उसको थोड़ा कूटो, बस ज्यादा नहीं कूट के ना, उसको मसाला नहीं बनाने का, इतना बनाने का। देखो ठीक है ना, ये मैं एक बंदे के लिए बना रहा हूँ ना, इसका क्वांटिटी इतना ही है। ठीक है, तो इस जैसे कि आप देख रहे हैं पानी गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे कूटा हुआ कार्डमम और जिंजर, और उसको थोड़ा उबालना है, एक 15-20 सेकेंड उबालने दो उसको हाई फ्लेम में, ताकि उसका फ्लेवर पूरा आना चाहिए पानी में। तो इसे रखते हैं हम लोग साइड पे, और जैसे कि आप देख रहे हैं पानी गर्म हो गया, गर्म हो रहा है, और उसमें हम लोग चाय का पत्ती डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो एक चम्मच कोई भी चाय पत्ती चलेगा, ठीक है ना, आपके घर में जो भी है वो डाल दो, और उसके साथ एक चम्मच शक्कर। ठीक है ना, सो 1:1 रेशियो पे डाल दो, और उसको अच्छी तरह से बॉईल करो, जितना ज्यादा बॉईल करो उतना अच्छा है। तो कम से कम 2 से 3 मिनट आप बॉईल कर लो, ठीक है ना, आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि उसका मसाला है ना पूरा पानी में मिलना चाहिए, तभी तो टेस्ट अच्छा आ जाता है चाय का। ज्यादा लोगों को चाय बनाना नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता था, मैं भी अभी सीख गया हूँ चाय कैसे बनाना। देख रहे हैं पूरा वो मसाला है ना पूरा मिल गया, तो देखो कलर देखो चाय का। तो अभी हम लोग इसमें डाल रहे हैं दूध, तो दूध का क्वांटिटी होना चाहिए 1/4, और पानी का क्वांटिटी होना चाहिए 3/4। जैसे कि अगर एक ग्लास का हिसाब ले लो ना, सो 3/4 ग्लास वाटर और 1/4 ग्लास दूध, इसके हिसाब चाय का क्वांटिटी ले लो, और इसको अभी 2 बार उबाल दो, ठीक है ना, उसके बाद चाय रेडी हो जाएगा। चाय रेडी हो गया, 2 बार हम लोगों ने उबाल दिया, और तीसरी बार ये आपके लिए उबाल रहा है स्पेशल। ठीक है, चाय रेडी हो गया, और इसको हम लोग स्ट्रेनर में लेके, वैसे ये स्ट्रेनर है यार, इसको ना एक ग्लास में डाल दो। ठीक है, अब देखिए चाय रेडी हो गया, और हम लोग इसको फाइनल टच दे रहे हैं। तो ये रहा चाय, और बारिश के टाइम में तो बढ़िया है। सो चाय, बिस्किट और ये इंग्रेडिएंट्स के साथ आप खुशी खुशी सुबह शाम दोपहर रात कभी भी मन चाहे तब चाय पी लो, खुश रहो, घर पे रहो, काम करो। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज वॉच रॉक मलियर्स किचन। बाय बाय।